हैं, तो मैं कुंती फैशन में से आपको पेटीकोट की स्टिचिंग बता रही हूँ। तो चलिए ये देखिए, बड़ा वाला पैनल है, तो बड़ा पैनल में ये छोटा वाला पैनल सीधी, ये ओरिव है और ये सुग्रीव है, यानी कि एक तिरछा पट्टी है और एक सीधा पट्टी है। तो इसको हम ओरिव के ऊपर इसको रखेंगे, और जैसे कि तिरछा होता है और एक सीधा होता है, तो इसके ऊपर इसको हम रखेंगे छोटा वाला पल्लर को, और इसी तरह का ज्वाइंट करेंगे, एक साइड इधर छोटा वाला और फिर दूसरी साइड इधर ज्वाइंट करेंगे, तीन पल्लर इसमें और थ्री उसमें दूसरे में। तो चलिए स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जहाँ समझ में नहीं आता है मैं वहाँ से फिर से बताऊँगी। धीरे धीरे स्लो में ही सिलाई लगाना है, जिसको सिलाई नहीं आता उसको मैं बहुत स्लो में यहाँ पे बता रही हूँ। कपड़ा को खींचना नहीं है, तो कपड़ा से बढ़ जाती है। देखिए इसी तरह कपड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, इसी तरह सिलाई करना है आधे इंच के मार्जिन में। सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पल्लर को मैं ज्वाइन कर दी हूँ, अब मैं दूसरा पल्लर ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह करके इसको रखना है सीधा वाला पट्टी में। अब यहाँ पे सिलाई हम करेंगे, इसी तरह का दोनों पल्लर को इसी तरह करके सेट कर लीजिए, उसके बाद दोनों मिक्स करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह सिलाई एंड तक ले जाना है। स्टिचिंग का वीडियो मैं इस तरह बता रही हूँ कि कमर पट्टी और नीचे जो फॉल्ट वाली पट्टी जो होती है, जो पलट उलटते हैं, उसको मैं अच्छे से बताएंगे, इसीलिए काहे कि पेटीकोट तो सिलने में बहुत आसानी होती है, लेकिन परेशानी वहीं पे होती है कमर पट्टी और नीचे फॉल्ट पट्टी में। तो मैं वहीं पे उसी का टॉपिक लेके वीडियो आ रहा हूँ, आसान तरीका बताऊँगी, बहुत ईजी। सारी गली को इसी तरह करके ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए थ्री इसमें है और थ्री ये वाली है, तो दोनों को सीधी के ऊपर सीधी रख देंगे और एक साइड बंद कर देंगे और दूसरी साइड अभी हम खुला रखेंगे, पट्टी लगाएंगे उसके बाद फिर मोड़ेंगे। इसे भी हम बंद कर देते हैं गोलाई में। तो देखिए मैं छह कली को भी एक साथ अटैच कर ली हूँ। अब मुझे जहाँ पे डोरी निकलती है वहाँ पे थोड़ा सा फॉल करना है, एक बार हाफ इंच और फिर दूसरा बार हाफ इंच से थोड़ा कम, इस तरह करके मोड़े। और नीचे के साइड तो एकदम कम कम मोड़ना है, ऊपर के साइड हाफ इंच ले लिए हैं। इस तरह करके सिलाई इसमें थोड़ी दूर तक, तकरीबन तीन इंच साढ़े तीन इंच तक डालनी है, क्योंकि दो इंच तो पट्टी हो जाती है कमर पट्टी, तो टोटल पाँच इंच करना भी यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ी सी कली छोटी बड़ी हो जाती है, इसके लिए बेल्ट रख के ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, उसी के हिसाब से हम वहाँ पे मोड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट लेके बता रही हूँ, जितना भी मेरा बाकी उधर बचेगा उधर हम मोड़ देंगे। देखिए मेरा यहाँ तक आ रहा है, इतना सा कपड़ा बच रहा है, इतना हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। इस तरह करके मेजरमेंट लेके आप भी फोल्ड करें, कपड़ा छोटी या बड़ी फिर नहीं होगी।
या तो फिर कपड़ा यहाँ पे बढ़ जाती है किसी किसी का। इतना आसान हम बेल्ट लगाने के लिए बताएंगे शायद ही कोई नहीं बताए होंगे, मतलब बताएंगे नहीं, आता है सबको लेकिन नहीं बताते हैं सबको। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बेल्ट एकदम आसान तरीके से अटैच करने के लिए बताऊंगी। ये देखिए मेरी उल्टी साइड है पेटीकोट का, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड के ही ऊपर हम उल्टी पट्टी रखनी है। देखिए हम थोड़ी सी जॉइंट लगाए हैं यहाँ पे, तो ये मेरी उल्टी साइड है और कपड़े में भी देख लें उल्टी सीधी। तो बहुत आसान से हम बताएंगे, एकदम बिना परेशान हुए ही आप इसको अच्छे से इसको पट्टी बना सकते हैं, कमर पट्टी। तो देखिए उल्टी साइड में रख रही हूँ और इस आधा इंच के मार्जिन से वहाँ पे थोड़ा सा आगे से सिलाई कर देती हूँ, उसके बाद पूरी पट्टी को सिलाई कर लेना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है किसी को, तो इस तरह का हाफ इंच के मार्जिन लेके सिलाई कर लेना है। दिक्कत होती है पट्टी को उलटने में मोड़ने में, तो हम वो आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे आज, बिना परेशान हुए ही आप बहुत अच्छे से पट्टी कलर सकते हैं। चलिए इस तरह का स्टेप हम पूरा एंड तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं हम आगे क्या करते हैं। हो गया, देखिए यहाँ तक मैं एंड तक कर रही हूँ। देखिए ये मेरी पेटीकोट का सीधी सिलाई है, सीधी मतलब, और उसके बाद ये पट्टी जो है मेरी उल्टी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम इधर से सीधी साइड से रख के पट्टी इधर पलटते हैं तो मतलब अच्छा से नहीं होता है। इसको आधा इंच हम फोल्ड करेंगे पहले, और ये जो कपड़ा है ये कपड़ा को इधर साइड दबा देंगे ऊपर की साइड, और इधर से हाफ इंच करते मोड़ते हुए लेंगे इस तरह करके, और उसके बाद सिलाई इसके ऊपर हम डालते हैं। चलिए हम दिखा रहे हैं कैसे डालती हूँ, अच्छे से मतलब एकदम पूरी फिनिशिंग के साथ ये पेटीकोट रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा सिलाई को बड़ा कर लें, देखिए मैं बड़ा कर दी हूँ सिलाई, और इस सिलाई को बस ढकना है और एकदम देखते हुए ही सिलाई डाल देना है। इतना फिनिशिंग रेडीमेड जैसा पेटीकोट मार्केट में जैसे मिलते हैं उससे भी बेटर लगेगा ही नहीं कि हाँ पेटीकोट बनाए हैं। तो देखिए इस सिलाई को बस ढकना है ये कपड़ा से, और फिर सीधा सिलाई डालते हुए, नहीं अंदर का कपड़ा खींचना है और नहीं ऊपर का कपड़ा खींचना है किसी का नहीं, बस अंदर का कपड़ा, ये पट्टी वाली जो है पट्टी वाली को थोड़ा सा खींच के रखें संभाल के, और नहीं तो फिर अंदर में दब जाती है। और ऐसे करते रहिए, एकदम इतना फिनिशिंग आएगी ना पूछिए मत। और फिर नीचे वाली भी हम इसी तरह आसान टिप्स देते हुए फिर बताएंगे, वो उसमें भी परेशानी नहीं होगी, नहीं प्लेट पड़ेगी, एक भी प्लेट नहीं पड़ेगी, इतना आसान बताएगा भी नहीं, आता है सबको पर बताएगा नहीं। और मैं जैसे सिलाई करती हूँ उस तरह का आप लोग को भी टिप्स मैं बताते जाऊंगी, आप लोग भी करते रहिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट करके पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ ठीक से। और देखिए मेरी पट्टी भी बहुत फिनिशिंग के साथ आ रही है, और इसके दो पॉइंट के हिसाब से फिर एक सिलाई देंगे, बहुत खूबसूरत लुक इसका लगेगा देखने में भी। देखिए लास्ट में हम ये कपड़ा को यहाँ से एकदम नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं छोटी होना चाहिए, और इस तरह का जो है लूजिंग उसे हम डाल देंगे आगे की साइड। तो लूजिंग मेरा खत्म हो गई है, और यहाँ पे हम कॉर्नर पे पकड़ के रख रहे हैं ताकि मेरा कपड़ा बढ़े नहीं इसके लिए, और जो लूजिंग है इस तरह का मैं सारा लूजिंग इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी। आप भी देखिए मैं पूरा एंड तक पूरे पास से दिखा रही हूँ, तो देखिए ये मेरा कितनी सुंदर एकदम फिनिशिंग के साथ एक भी प्लेट नहीं आई है,
कहीं पे भी प्लेट नहीं आई। अब दो पॉइंट के हिसाब से एक सिलाई और डाल रही हूँ, वो भी दिखा रही हूँ, एकदम जितना अच्छा सुंदर लगे देखने में भी। आगे पीछे कर दें सिलाई, उसके बाद एकदम दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाली है। ये भी मैं पास से दिखाऊंगी कंप्लीट हो जाने के बाद। तो देखिए मैं दो पॉइंट के हिसाब से मैं सिलाई लगा ली हूँ। देखिए कितना सुंदर इसका लुक लग रहा है देखने में। तो आप सभी ट्राई कीजिए, बनाइए। और हाँ, अभी तक आप लोग सबने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल में। और इसको जो ये खुला है इसे हम ऐसे करके समेटेंगे उल्टी साइड को, और ये बीच में ज्वाइंट लगा देंगे। लास्ट वाली ज्वाइंट है, यहाँ से हम यहाँ तक कमर से लेके यहाँ तक हम 5 इंच मेजरमेंट नाप करके रख लेंगे, 2 इंच पट्टी और 3 इंच इधर नीचे, और उसके बाद इधर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई ये लगाने के बाद पूरी कंप्लीट हो जाती है, बस बचती है नीचे मोड़ने के लिए। तो नीचे मोड़ने के लिए भी हम बताएंगे, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है इसके लिए। मैं हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें फिर डालूँगी नीचे वाली पट्टी कैसे मोड़ते हैं। देखिए ये मेरा नीचे साइड है जिसे हम फोल्ड करेंगे। तो नीचे साइड है इसे हम पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, आधा इंच ही फोल्ड करें तब कोई, क्यों वैसे भी पेटीकोट में ज़्यादा कपड़ा आता कहाँ है 2 मीटर से ज़्यादा। तो इसको इस तरह करके फोल्ड करें, आपको लंबाई के अनुसार आपको जितना रखना है पेटीकोट उतना रख लें, जितना आपको चाहिए उतना। उसके बाद ये पट्टी फॉल्ड कर रही है, इसमें देखिए एक भी प्लेट एकदम मेरा नहीं आएगा, एकदम 100% गारंटी है कि एक भी प्लेट नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप सब भी बनाइए, देखिए ट्राई कीजिए। इसका ट्रिक्स है ये, जब हम सिलाई करेंगे तो इसको लूजिंग हम हमेशा दिए हुए रहेंगे और बिना लूजिंग के यहाँ स्टिचिंग नहीं करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच यहाँ पे भी हम फॉल्ड कर रही हूँ, और उसके बाद इसका सेंटर जो है बड़ा वाला जो होता है कपड़ा उसका सेंटर हम बना लेंगे कहाँ पे है, और उसके बाद स्टिच करेंगे इस तरह करके लूजिंग देते देते। तो मेरा एक भी प्लेट नहीं आएगा, एकदम 100% गारंटी है कि नहीं आएगा। देखिए मेरा सारा लूजिंग एकदम अभी की तरह खींच लिया है, थोड़ा सा भी लूजिंग इधर मेरे पास नहीं बचा है। तो आप इस तरह करके मेजरमेंट करके अगर सिलाई करेंगे पेटीकोट में तो एक भी प्लेट नहीं आएगा, एकदम बहुत सुंदर फिनिशिंग एकदम आएगा। तो इस तरह का आप सब कर दीजिए, बनाइए और लूजिंग देते रहिए। लूजिंग देते रहेंगे तो प्लेट नहीं आएगी, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्लेट देना पड़ जाएगा और उससे पेटीकोट भी खराब हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मेरा एक कंप्लीट हो गया है, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है, एक भी प्लेट नहीं आई है, कहीं पे भी एक भी प्लेट नहीं आई है। इसी तरह का चारों तरफ हमको फोल्ड करना है, और थोड़ा जल्दीबाजी में ना करें, जल्दीबाजी में जैसे तैसे पट्टी हो जाती है। पेटीकोट का लुक इसी से आता है, कमर पट्टी और नीचे फोल्ड पट्टी, ये दोनों अच्छा से हो गया समझिए कि आपको सिलाई आने लगी। कहते हैं पेटीकोट बहुत आसान है, पर उतना भी आसान नहीं है जितना आसान सब कोई बोल देते हैं। इस प्रकार लूजिंग देते रहिए और स्टिच करते रहिए। देखिए मेरा सारा लूजिंग खत्म हो चुका है, थोड़ा सा भी लूजिंग हम बचने नहीं देते हैं, तो इसीलिए मेरा प्लेट नहीं आता है। कोई होता है कि ऊपर का कपड़ा बहुत सारा खींच देते हैं तो उसका प्लेट आ जाता है। इस तरह का लूजिंग किए हुए रखें, कपड़ा को संभालें अच्छे से, उसके बाद फिर स्टिच करें।
तो देखिए ये मेरा बीच का है, बीच जो बना हुआ है बड़ा वाला कली है। देखिए मेरा कहीं पे भी एक भी प्लेट नहीं आ रहा है और नहीं भी आएगा लास्ट तक। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए, समझ में वैसे नहीं आएगा उतना भी। इस तरह करके लूजिंग देते रहिए, दिखाते हैं हम लूजिंग किसको कहते हैं, लूजिंग कहाँ से कैसे देते हैं। तो ये रही मेरा लूजिंग, जितना भी हमको यहाँ पे चाहिए उतना रख लिए इधर हम पकड़ लिए हैं। और उसके बाद जो बाद बाकी जो कपड़ा है ये रहा लूजिंग इतना है। तो मशीन इसको अपने आप खींच लेंगे, इसको ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला दीजिए और गया। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे धागा नीचे बोबिन का खत्म हो गया, तो हम बोबिन में फिर से धागा भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम धागा भर लिए बोबिन में और मेरा ये लास्ट सिलाई हो रही है। देखिए ये इंड तक पहुँच गए हैं, थोड़ा आगे बढ़ा दिए और धागा को कट कर लेंगे अच्छे से ताकि कपड़ा नहीं कटे। और ये वाली भी हम कट कर लेते हैं, ऐसे करके निकाल लेंगे, यानी कि एकदम सिलाई करते हुए निकाल लेंगे, वैसे नहीं निकालना है। आप फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं तो फिनिशिंग के साथ बनाइए। देखिए एक सिलाई मेरी लग गई है, कहीं पे भी प्लेट मेरा नहीं आया, तो मैं पास से बाद में दिखाऊंगी। कहीं से भी प्लेट मेरा आया ही नहीं है, एकदम 100% गारंटी। अभी से हम दो पॉइंट के हिसाब से एक सिलाई और डालेंगे, ऐसे सीधी साइड पलट लें और दो पॉइंट के हिसाब से यहाँ रख लें फुट को, और उसके बाद एकदम देखते हुए इधर से सिलाई लगा लें। इस तरह का बहुत सुंदर लगती है देखने में। अच्छा धागा को कट कर लें, इस तरह से दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई लगा रही हूँ। तो पूरे में आप लगा लीजिए, अभी पूरे में लगा रही हूँ, पूरे में लगा के फिनिश करके आपको देखा। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन वीडियो को देखने से आपका माइंड में पूरा एकदम आ जाएगा कि ना हाँ अच्छे से बताई है। वीडियो पहले ही देखिए, भाग मत जाइए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते हुए और बेल आइकन भी दबाइए। समझ में आएगा बड़ा बड़ा से वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए मेरा सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब धागा कट करेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और इसके बाद ये डोरी का कपड़ा है, तो डोरी में यहाँ सिल के नहीं बता रही, एक बार ऐसे फोल्ड करना है डोरी और दूसरी बार इधर से भी फोल्ड करना है और उसके बाद बीच से ऐसे फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई लगा देना है। दोनों साइड से फोल्ड करते जाना है, ऐसे इस तरह का सिलाई लगा देना है। ओके, और मेरा पेटीकोट का लुक दिखाते हैं। मेरा नहीं ना रहा, हाँ देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरा फाइनल लुक रहा पेटीकोट का। तो आप सब भी बनाइए, ट्राई कीजिए। ओके थैंक यू, धन्यवाद, बाय। देखिए ऊपर वाली ये पट्टी है तो बहुत सुंदर के साथ फिनिशिंग आई है, बहुत सुंदर। और कहीं पे भी एक भी प्लेट नहीं आई है। देखिए ये नीचे का है, तो नीचे का इसी तरह दो पॉइंट के हिसाब से आप भी सिलाई लगाएं, बहुत सुंदर। ये देखिए अंदर के साइड है, अंदर साइड भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है, कहीं भी एक भी प्लेट नहीं है। तो चलिए आप सब भी बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय बाय।